मुझे एक बात बताइए, आपने कहा 27 साल का विकास गुजरात ने देखा, गुजरात की जनता ने देखा, 2019 तक आपने क्यों नहीं देखा? सुनिए, हम आंदोलनकारी लोग थे, दो साल हम कांग्रेस में रहे, हम तो दो साल में संभल गए भैया, गुलाम नबी साहब को 50 साल लगे। सुनिए, हम दो साल में संभल गए, तो हमको तो लगा कि यार नहीं, इस तरह से नहीं जा सकता, वो मोदी साहब, वो अमित शाह साहब की वो सरकार। और ये भूपेंद्र भाई के बारे में बोल रहे हैं ना, एक एग्जांपल दे दूं, मेरी असेंबली के अंदर भूपेंद्र साहब ने बोला क्या चाहिए तुझे, मैंने बोला 10 गांव के मेरे किसानों की पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां नर्मदा चाहिए, बोले चल दिए, मैंने बोला साहब 2 दिन में, बोले नहीं 4 दिन में, चौथे दिन चीफ मिनिस्टर का कॉल आता है, तेरी उस असेंबली के 10 गांव के लिए 127 करोड़ में मंजूर कर रहा हूं, उनको बोल देना अगले साल से वो अपनी बीज बोए, अपनी खेती करे, ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में ये बोलते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं ये 2 साल में 24 साल कैसे समझ गया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको बताऊं, जिस पार्टी में हम गए वहां पे ना फाउंडेशन है ना आइडियोलॉजी बची है। नहीं, आप कहते हैं ढांचा ही नहीं है। ढांचा ही नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ, मतलब बगैर ढांचे कैसे चल रही पार्टी, ये वही बात है। ये 2 साल बाद आप पे जाएंगे बोलेंगे ढांचा नहीं था। 20-25% मतदाता ऐसे है जो ये पार्टी जिंदा है, ना कार्यकर्ताओं की ना नेताओं की वजह से ये पार्टी जिंदा है। वो 20-25% जो मतदाता है वो उनको मत दे रहा है, जो बेचारा ये मानता है कि मेरे दादा ने दिया था, मेरे पापा ने दिया था, तो मैं भी दूं। वो वही लोगों ने पार्टी को जिंदा रखा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। उनके नेता को पूछिए, 8 तारीख को मतगणना हो जाएगी, सुनिए, और 9 तारीख को कांग्रेस वाले सो जाएंगे। कब जागेंगे पता है? फिर 2027 में जागेंगे, 6 महीने पहले चुनावी मेंढक की तरफ बाहर आ जाएंगे, बोले अब चलो हम आ गए। आंदोलन लेकर आप गए कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद क्या हुआ? वो आंदोलन देखिए, कांग्रेस ने आपने 25 साल नहीं, 25 साल में कांग्रेस ने कोई जन आंदोलन किया हो ऐसा कोई इश्यू नहीं, कभी नहीं किया उन्होंने। और हम लोग गए, हम ये मानते थे कि यार कांग्रेस इनकी भाषा समझेगी, कांग्रेस ना उनके लिए लड़ी, क्योंकि उनको तो आंदोलन करना आया ही नहीं, ना उनके अधिकार के लिए असेंबली में बोले, ना रोड पे बोले, वो तो सो गए। हमको क्या बोलते थे, अरे सो जाओ यार, इलेक्शन आएगा तब जाग लेंगे, अभी क्या 5 साल बोले मेहनत करवाओगे हमसे, सो जाओ आप भी। हमने बोला नहीं यार, हम तो लोगों के बीच रहना चाहते हैं, बोले हमारी वो आदत नहीं है लोगों के बीच रहने की, हम तो चुनाव के वक्त आएंगे, 25% मतदाता तो हमारे साथ है ही। AIMIM के नेता ही कह रहे हैं 2 साल के बाद हो सकता है आपको बीजेपी की सच्चाई दिख जाए, फिर क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी छोटा रिचर्च के पास चले जाएंगे। सुनिए सुनिए, मेरे को यकीन है। सुनिए, मैं उस परिवार से हूँ जो जनसंघ से पार्टी में जुड़ा हूँ, 92 से हम तो नरेंद्र भाई के साथ, मेरा परिवार का 1975 से रिश्ता रहा है। एक बार गलती हो गई, कांग्रेस में रहकर भाजपा का प्रचार करते थे, इंडिया के मंच पे बोल रहा हूँ, अगर कांग्रेस में रहकर भाजपा का प्रचार करते थे, बट ऐसे लोगों के पास या कांग्रेस के पास वापिस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। छोटा रिचार्ज भी आया है, सुनिए, वो तो इनका आगे निकल गया 2 स्टेप। मोदी जी 15 लाख दीपक जलाते, वो बताते मैं बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन हूँ, करिए दिवाली बनाइए, छोटा रिचार्ज आके और 2 स्टेप आगे चला गया। वो तो बोलता है नोटों के ऊपर भी भगवान की आपको बताने चाहिए, और उन्होंने तो क्या कहा था, सुनिए, अरे सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, आप बोले तो मैं खामोश था। उन्होंने यहाँ आके पूरे गुजरात का बजट 2.5 लाख करोड़ है, आपको पता है, उन्होंने यहाँ आके 3 लाख करोड़ की रेवड़ी बांट दी है, 7 लाख करोड़ की। अब ये 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे, तो फिर घपलाबाजी, फिर दारूबाजी सब करेंगे वो यहाँ पर। उन्होंने क्या कहा था दिल्ली में, मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली तो लंदन नहीं बना, हाँ तिहार थाईलैंड बन गया है, आज मसाज चालू है, खाना पीना चालू है, तो उसकी बात ही मत करो। अच्छा है, वो तो कहाँ गया उसे ढूंढो, 5 साल बाद पूरी गुजरात की जनता ढूंढेगी। केजरीवाल कुछ नहीं देने वाला है किसी। केजरीवाल रैलियों में कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर वोट वेस्ट मत करो, ये AIMIM नूरा कुश्ती है बीजेपी के साथ, बी टीम बन के ठीक है। हमने 13 सीट पे लड़े हैं ना, 169 सीट इनके लिए छोड़ दिया है, किसके लिए? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए। हराओ बीजेपी को, चलो ताकत है, हरा दो सबके सब। 169 सीट छोड़ दिया ना कांग्रेस और आम आदमी के लिए, अब उनमें ताकत होना चाहिए हराने के लिए, और अगर नहीं हराए तो यहाँ आके उनको बोलना पड़ेगा, हाँ में जाते हैं और यही यहाँ आके उनको मानना पड़ेगा कि भाजपा की असली बी टीम कांग्रेस और छोटा रिचार्ज है, हम नहीं है, ये आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि 27 साल से वो लोग ही जीता रहे ना इनको, भाजपा को जीता कर रहे हैं 27 साल से, कांग्रेस हम लोग तो नहीं थे। वोट लिया, ताकत नहीं हराने की, तो इल्जाम हम पे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना नहीं है, घूमना है बाहर हमको क्या। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब हर कोई आम आदमी आता है तो बोलता है कांग्रेस और AIMB टीम है,
एएम बोलती है कांग्रेस और आप है, कांग्रेस बोलती है ये बी। अरे वो तो तुमको जीता है ना, भाजपा इतनी बड़ी स्ट्रांग टीम है उसको बी टीम की जरूरत ही नहीं है। अरे कितनी स्ट्रांग है, अगर काम किया होता तो पूरा के पूरा कैबिनेट पूरा मंत्री गुजरात में जो काम किए हम हराएंगे बीजेपी को। ठीक है कितनी सीट है बारह सीट कितनी सीट है भाजपा की, जिस तरह की फाउंडेशन है, जिस तरह की करोड़ों कार्यकर्ताओं की टीम है और 27 सालों में जो गुजरात को बदला है उसके दम पे मैं बोल दूं 150 से ज्यादा 150 ठीक है। वारिस जी 150 माइनस 13 करते हैं, चलिए 150 माइनस 13 137 मान लीजिए ना, एक सेकंड 150 माइनस 13 137 फिर भी मेजोरिटी है। आप कह रहे हैं हराएंगे भाजपा को, बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इन्होंने सारे मीडिया को फेल कर दिया। मैं तो टीवी देख रहा था कि मीडिया दिखा रहा है इतनी सीट भाजपा की आ रही है 118 20 23, ये तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने बोला 150 कहां से लाए 150, चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? अरे इलेक्शन कमीशन को बोल दो डिक्लेयर कर दे 150 सीट, सब घर चले जाएंगे अपने। कितनी बता, मैं भी अपने घर जाकर मीडिया कितनी बता रहा है? अरे 110 118 मीडिया तो अभी तुमको मालूम है मीडिया कौन सा दिखा रहा है? सभी मीडिया, सभी मीडिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।